सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है देखने का सुपर प्राइम टाइम, यानी अगले एक घंटे तक लगातार देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज यहां सुपर प्राइम टाइम पर मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। अफगान वॉर में एक नया ट्विस्ट आ गया है। तालिबान के कोहराम के बीच अमेरिका फिर से एक्टिव हुआ है। तालिबानी अड्डों पर अमेरिकी बॉम्बर ने बम बरसाए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पिछले कुछ दिनों में 6 से 7 बार हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जबकि खुद सुपर पावर ने स्वीकार किया है कि अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने ऐलान किया है कि बाकी बचे 10% हिस्सों पर भी जल्द ही उनका कब्जा होगा। तालिबानी आतंकी कब्जा करने के बाद घरों में लूटपाट कर रहे हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं। देखिए कैसे अफगानिस्तान में तालिबान मौत का दूसरा नाम बन गया है। गोली बरसा कर कोहराम मचाने वाले तालिबान की ये दहशतगर्द बारूद से मृत्युलेख लिख रहे हैं अफगानियों की छाती पर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक ये जोला था। क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वाले ये आतंकी गजनी से लेकर कंधार तक तांडव मचा रहे हैं। साक्षात यमराज बनकर घूम रहे बंदूकधारी तालिबानी कत्लेआम मचा रहे हैं, लाशें बिछा रहे हैं। और अफगानी आवाम के बेजान जिस्मों पर जीत की सफेद पताका फहरा रहे हैं। और ऐसा लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान से आया ऑर्डर, तालिबान ने मचाया गदर, लाशें बिछाई, गाड़ा झंडा, कंधार में तालिबान का कब्जा, एक्शन में अमेरिकी बॉम्बर, तालिबानी अड्डों पर कहर। अफगानिस्तान में बॉम्बर लेकर कैसे अमेरिका फिर एक्शन में आ चुका है ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि क्रूरता के लिए कुख्यात तालिबानियों ने कंधार के स्पिन बोल्डक में कैसी तबाही मचाई है। खून के छींटों से पहाड़ियों को लाल कर दिया है, लोगों को घरों से उठा उठा कर उनकी हत्या की है। स्पिन बोल्डक के स्थानीय लोगों की माने तो तालिबान ने कब्जा करने के बाद नागरिकों के घरों को लूट लिया। तालिबान आतंकियों ने 380 से ज्यादा लोगों को घरों से उठाया, कई बच्चों को भी तालिबानी आतंकी अपने साथ ले गए। ज्यादातर लोगों को तालिबानियों ने मौत के घाट उतार दिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लोगों की हत्या करने के बाद तालिबानी आतंकियों ने उनके घरों पर सफेद झंडा टांग कर अपने कब्जे का ऐलान किया। कई बंदूकधारी आतंकियों ने बाजारों में भी लूटपाट की। जिन लोगों की हत्या करके फेंका गया उनकी लाशें अब भी पहाड़ियों के बीच पड़ी हुई हैं। तालिबान के खौफ से कोई भी अपनों के बेजान जिस्मों को उठाने तक के लिए नहीं जा रहा। तालिबानियों की इस बर्बरता पर अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता मीरवाइज स्टेन कजई ने कहा कि अपने पंजाबी आकाओं यानी पाकिस्तान के आदेश पर क्रूर आतंकवादियों ने स्पिन बोल्डक के कुछ इलाकों में निर्दोष अफगानों के घरों पर हमला किया, घरों को लूट लिया और 100 निर्दोष लोगों को शहीद कर दिया। इससे ही क्रूर दुश्मन के असली चेहरे का खुलासा होता है। ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि कैसे तालिबानियों को पाकिस्तान खुलकर मदद पहुंचा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबानियों को मदद पहुंचाने की वजह से ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इमरान खान को खरी खरी सुनाई थी और अफगानिस्तान ने तालिबान को दी जा रही इसी मदद की वजह से पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। एक बार फिर पाकिस्तान के ही इशारे पर स्पिन बोल्डक में कत्लेआम का इल्जाम लगा है तालिबान पर। हालांकि तालिबान ने इन मौतों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से तालिबानी अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बारूद की बारिश कर रहे हैं उससे शक उन्हीं पर है। पिछले हफ्ते भी तालिबान ने स्पिन बोल्डक पर कब्जा कर लिया था और फिर जमकर तोड़फोड़ की थी। वॉर जोन में तब्दील हो चुके अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान अपना आधिपत्य जमा चुका है। तालिबान ने ऐलान किया है कि बाकी 10% हिस्से पर भी जल्द ही उसकी हुकूमत होगी। ये दृश्य है अफगानिस्तान के कुनूर प्रांत के गाजियाबाद का। कुनूर प्रांत की राजधानी पर अब तालिबानियों की हुकूमत है। इन्हीं तालिबानियों ने अफगान सेना को खदेड़कर शहर पर कब्जा कर लिया है।
गाजियाबाद भी अब पूरी तरह से संगीनों में सांसें ले रहा है। बाकी बचे हिस्से पर यूं ही कब्जा करने के लिए तालिबान गोलियां बरसा रहा है, खून बहा रहा है। इसके लिए तालिबानी अमेरिकी और रूसी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है इस वक्त तालिबान के पास अल फतेह मिसाइल है, BGM-71 टो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है, ड्रोन है, डायनामाइट है, RDX है। तालिबान सबसे ज्यादा AK-47 से कोहराम मचा रहा है। इसके अलावा टाइप 54 पिस्टल है, AK-56 असॉल्ट राइफल है, AK-74 है, टाइप 54 HMG हैवी मशीन गन है, ZPU एंटी एयरक्राफ्ट गन है, RPG-2 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, B-10 रिकॉयललेस राइफल, 107mm M1938 मोर्टार, बरेटा M9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, M240 मशीन गन, सामान्य प्रयोजन मशीन गन, M134 मिनीगन भारी मशीन गन, टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। साथ में हल्के सामरिक वाहन और सेना के पिकअप ट्रक भी तालिबानी आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी रूस और अमेरिका के हथियारों से ही इस वक्त तालिबानी आतंकी दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं। अब तो ये बात खुद अमेरिका मान रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का पलड़ा हर बढ़ते दिन के साथ भारी हो रहा है। अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह बात कबूली है कि अफगानिस्तान के ज्यादातर मुख्यालयों पर अब तालिबानी आतंकवादियों का कब्जा हो गया है। ऐसे में अफगानिस्तानियों की सुरक्षा, अफगानिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प का एक इम्तिहान है। हालांकि अफगानिस्तान से आखिरी विदाई के ठीक पहले अमेरिका ने तालिबान को फिर से अपनी ताकत का एहसास कराया है। अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने तालिबान के ठिकानों पर रात भर चुन चुन कर हमले किए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिका की ओर से किया गया ये पहला बड़ा हवाई हमला है। अमेरिका ने तालिबान को चेताया था अगर हिंसा बंद नहीं हुई तो वो हवाई हमले करेगा, और 31 जुलाई को आखिरी विदाई से पहले उसने तालिबानी ठिकानों को थर्रा दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उन सैन्य उपकरणों और हथियारों को निशाना बनाया गया जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तालिबान ने इसे अफगान सेना से छीन लिया था। बताया जा रहा है कि ये हमले कंधार में किए गए हैं जहां पर तालिबानी आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस हमले में अमेरिका ने अपनी लंबी दूरी के बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट की माने तो अफगान सेना की मदद के लिए अमेरिका ने ये स्ट्राइक की है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के हवाई हमलों की खबरें तबाही हैं, जब एक दिन पहले अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने माना कि तालिबान ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि पेंटागन ने अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों की विस्तृत तौर पर जानकारी नहीं दी है, लेकिन पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी की तरफ से कहा गया कि अफगान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बलों को मदद पहुंचाई गई है, हवाई हमले किए गए हैं, लेकिन इन हमलों की सामरिक जानकारियों को मैं साझा नहीं करूंगा। जाहिर है कि अफगान वॉर में ये नया ट्विस्ट है। अमेरिका की री एंट्री से एक बार फिर से आर पार की स्थिति बनती जा रही है। यानी एक तरफ पाकिस्तान की मदद से तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का अस्तित्व बचाने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिका एक्शन में है। ऐसे में आने वाला समय न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी कि तालिबान के आतंकवादी चीन में बैठकर उइगर मुसलमानों को जिनपिंग के खिलाफ जिहाद के लिए भड़का सकते हैं। अब ऐसे ही एक परेशान करने वाली खबर जिनपिंग के गुलाम इमरान खान के लिए भी आई है। 2015 से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी अफगानिस्तान चले गए थे वो अब फिर से पाकिस्तान की तरफ कूच करने लगे हैं। TTP के इन आतंकियों ने बाजवा के सिपाहियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इमरान खान को उम्मीद थी कि तालिबान की मदद के एवज में तहरीके तालिबान की अफगानिस्तान ब्रांच उनकी मदद करेगी, लेकिन उसने तो पाकिस्तान को और जोर का झटका दे दिया है। 15 जून 2014 उत्तरी वजीरिस्तान पाकिस्तान, रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में हलचल तेज। आर्मी चीफ राहिल शरीफ वॉर रूम में टॉप ऑफिसर्स के साथ बैठे हुए थे। ये पाकिस्तान के ऑपरेशन जर्ब ए अजब का पहला दिन था। पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट टीम वजीरिस्तान के उत्तरी इलाके और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद थी। उन्हें जनरल के ऑर्डर का इंतजार था। रावलपिंडी से हुक्म हुआ, पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। आप सोच रहे होंगे कि आतंकियों को पालने पोसने वाली पाकिस्तानी फौज भला कब से आतंकियों से लड़ने लगी, लेकिन जान लीजिए एक आतंकी संगठन ऐसा था
जिसे पाला तो पाकिस्तान ने, लेकिन कुछ ही सालों में वो इतना खूंखार हो गया कि वो ना तो ISI की सुनता था और ना ही रावलपिंडी में बैठे जनरल की। ये आतंकी संगठन था तहरीके तालिबान पाकिस्तान। साल 2014 तक वजीरिस्तान वो इलाका था जहां पाकिस्तानी फौज भी घुसने से डरती थी, लेकिन अमेरिकी हथियारों और फाइटर जेट के दम पर पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि ऑपरेशन जर्बे अजब में पाकिस्तानी फौज ने कई बेगुनाहों को भी मारा। TTP आतंकियों की औरतों के साथ बलात्कार किए और उनके बच्चों को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तानी फौज की क्रूरता से तहरीके तालिबान पाकिस्तान कांप उठा। उसने पाकिस्तानी फौज को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिससे पूरी दुनिया सहम गई। 16 दिसंबर 2014 पेशावर पाकिस्तान। तहरीके तालिबान के 6 आतंकी पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप्स ने स्कूल पर कब्जा किया तब तक 132 स्कूली बच्चे जान गंवा चुके थे। रूह कपा देने वाली इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा हुई, लेकिन तहरीके तालिबान इस नरसंहार का जश्न मना रहा था। हमने आपको ऑपरेशन जर्बे अज़्म और पेशावर स्कूल अटैक की घटना इसलिए बताई है क्योंकि आज पाकिस्तान में फिर 2014 जैसे हालात हो गए हैं। तहरीके तालिबान भस्मासुर बनकर पाकिस्तान को निगलने के लिए खड़ा है और इसका खौफ इस्लामाबाद में भी महसूस किया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि तालिबान की अफगानी ब्रांच TTA यानी तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 2-2 कह दिया है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकियों को अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकाल सकता। TTA का ये मैसेज इमरान एंड बाजवा के लिए बेहद शॉकिंग है। सबको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के पास जो बंदूकें और युद्ध लड़ने के साजो सामान है वो सब पाकिस्तान ने दिए हैं। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में होगी तो रावलपिंडी का कंट्रोल तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान का दाव उल्टा पड़ गया है। तहरीके तालिबान के अफगानी गुट ने पाकिस्तानी गुट को पूरा सुरक्षा कवर दे रखा है। अब इमरान सरकार के सामने एक ही रास्ता है और वो ये कि TTP की शर्तों पर बातचीत की जाए, वरना पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तहरीके इंसाफ वाले इमरान खान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोनों का हड खैबर पख्तूनवा है। इमरान को पहली बड़ी सियासी कामयाबी खैबर से ही मिली थी। दिसंबर 2007 में 13 आतंकी संगठनों को एक में मिलाकर बैतुल्ला मसूद ने TTP की नींव रखी थी। अगले ही साल यानी 2008 में पाकिस्तान जैसे टेरर पसंद मुल्क ने TTP को बैन कर दिया। पाकिस्तान पर कब्जे की चाहत में TTP ने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। इतिहास का ये चैप्टर देखकर पाकिस्तान को अपने भविष्य की चिंता सता रही क्योंकि TTP ने फिर से पाकिस्तानी फौज को टारगेट करना शुरू कर दिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहां से पा, ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती। पूरी दुनिया को थोक के भाव पर टेरर सप्लाई करने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही टेरर ब्रिगेड से खौफ खा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो डर इस्लामाबाद में, वही डर रावलपिंडी में भी। अभी तक अफगानिस्तान पर बढ़ती तालिबानी हुकूमत से पाकिस्तान निकल रहा था, लेकिन अब TTA के आक्रामक रूप से साफ कि पाकिस्तान को भस्मासुर बनकर TTP निगल लेना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ने भारतवर्ष। हिंदुस्तान के लिए जंगी मोर्चे पर पाकिस्तान सिरदर्द की तरह है जिसे दर्द निवारक से ठीक किया जा सकता है, लेकिन चीन उस घाव की तरह है जिस पर लगातार चोट पर चोट लग रही है। भारत हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन LAC पर हालात बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसका प्रमाण है चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का तिब्बत दौरा। क्या किया उन्होंने वहां और हिंदुस्तान के मोर्चे पर इस दौरे की जिनपिंग को जरूरत क्यों पड़ी, इसे विस्तार से समझिए। सरहद पर आकर शेखी बघारने का शौक, जिनपिंग पर शैतानी सोच हावी होने का संकेत है। LAC से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रेड कारपेट सरकार के कर्ता धरता का ये मुस्कुराता चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। देखिए और समझिए हिंदुस्तान के मुहाने पर षड्यंत्र के मैदान का किस तरह विस्तार हुआ है। जहां पहले चीनी आर्मी तैनात हुई, जिस हिस्से पर कब्जा करके चीन ने ट्रेन, डैम और एयरबेस में इन्वेस्ट किया, उसे चीन का अखंड हिस्सा बताने वाली मोहर लगाने की कोशिश की,
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शैतानी सोच से उपजी रणनीति को अमली जामा पहनाया गया है। इस कहानी का ये सिर्फ एक सिरा है और दूसरा सिरा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत पहले सिरे के विस्तार से समझिए। जिनपिंग का दौरा, सीमा पार, सिग्नल रेड, भारत होशियार, मिलिट्री बेस का लिया जायजा, क्या है एलएसी पर आने की वजह, ब्रह्मपुत्र पर डैम के किए दर्शन, साजिश, भारत की बड़ी टेंशन, नई रणनीति, नया एक्शन प्लान, लाल बादशाह ने किया हैरान। हैरानी का कारण सिर्फ इतना नहीं कि चीन के राष्ट्रपति को जो नहीं करना चाहिए था वही उन्होंने किया, बल्कि हैरानी का कारण है सोच से ज्यादा करना। सत्ता संभालने के बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा के दूसरी तरफ तिब्बत के उस हिस्से का जिनपिंग ने दौरा किया है जिस पर ड्रैगन ने जबरन कब्जा किया, यानी राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारत को सीधे गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है कि चीन देश की सीमा के विस्तार वाले इरादे से न कभी पीछे हटा है, न हटने की कोई उम्मीद, और संकेत की सख्ती बयां कर रही है जगह जगह है अरुणाचल प्रदेश से सटा नियंगची शहर। आखिर क्यों अहम है ये जगह, इसे भी समझ लीजिए। नियंगची पीएलए माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड का मुख्यालय है। 52वीं और 53वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड भारत की सीमा पर ही तैनात है। भारत की वास्तविक सीमा से मुख्यालय 15 किलोमीटर दूर है। जिनपिंग का दौरा भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। इसके अलावा नियंगची ही वो शहर भी है जहां रेल कनेक्टिविटी से चीन और तिब्बत आपस में जुड़ते हैं, इसलिए जिनपिंग ने तिब्बत पर ड्रैगन लैंड का हिस्सा होने की मोहर लगाते हुए नियंगची से लिहासा तक बुलेट ट्रेन की सवारी भी की, और इसी के जरिए भारत को संदेश देने की कोशिश हुई कि चीन अपने हित के लिए भारत के हित का ध्यान नहीं रखेगा, वो अपनी सीमा का विस्तार करेगा और भारत के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करेगा। इस संकेत की पुष्टि करने के लिए दौरे का एक और पहलू देखिए। तिब्बत में जिनपिंग ने यारलुंग सांगपो घाटी का दौरा किया। इस घाटी पर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बना रहा है। चीन के दावे के तहत ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा, लेकिन इसी बांध से भारत के पूर्वोत्तर के हिस्से के लिए संकट पैदा होगा। इसका कारण यह है कि चीन पहले तो पूर्वोत्तर में पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र का पानी रोकेगा और फिर उस पानी को थ्री गार्जिस डैम से भी 3 गुना बड़े बांध में बांधने की कोशिश करेगा। दिखावे के लिए यह बिजली परियोजना है, लेकिन चीन इस बांध के दरवाजे खोलकर पूर्वोत्तर के राज्य में विनाश ला सकता है। इसीलिए जब जिनपिंग तिब्बत पहुंचे तो उन्होंने इस बांध का भी जायजा लिया और उस सड़क को भी देखा जो घाटी के बीच से निकलकर अरुणाचल की सीमा से चीन को जोड़ती है। हालांकि जिनपिंग की ये सारी तैयारी दिखावे वाली है, इसे कम्युनिस्ट सरकार पर बड़े प्रेशर को हटाने की एक कवायद के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि सच्चा ये भी है कि चीन इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान की नजरों में है बल्कि अमेरिका ने चीन के चारों तरफ एक व्यू रचना की है जिससे पार पाना ड्रैगन के बस में नजर नहीं आ रहा। इस व्यू रचना को समझिए, चीन की बढ़ती आक्रामकता का काउंटर शुरू हो चुका है। US ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिसाइल की दीवार बना दी है, ज्यादातर ठिकानों पर घातक मिसाइल तैनात कर दी गई, और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यह सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने में जुटा है और तेजी से नौसैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। इसलिए अमेरिका ने उन देशों को एकजुट कर मिसाइल से व्यू रचना कर दी जो चीन के सताए हुए हैं। कौन है वो देश, इसे भी देखिए। जमीनी सरहद पर भारत ने मोर्चा खोला तो वहीं समंदर में थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान ने ड्रैगन को बारूदी आग में जलाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। रही बात हिंद महासागर की, तो वो रास्ता हिंदुस्तान ने बंद कर दिया है जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 28 देश चीन पर एक साथ अटैक के लिए राजी हैं। हिंद महासागर के गलियारे में भारत, श्रीलंका, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशियस, तंजानी और केनिया अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा चुके हैं, यानी चीन जैसे ही आगे बढ़ा उसका सामना जंग से होगा। इसके अलावा अमेरिका ने 7 लाख करोड़ रुपए की लागत से परमाणु मिसाइल खरीदने की भी तैयारी कर ली है, और हैरान करने वाली बात यह है कि रक्षा के लिए अमेरिका पहले हमला भी कर सकता है, यानी डर चीन के राष्ट्रपति पर हावी है। इसीलिए जिनपिंग हिंदुस्तान की सीमा पर आकर भारत को चौंकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये भी है कि भारत खुद चीन को चौंका रहा है। कैसे, इसे भी देख लीजिए। चीन के खिलाफ मित्र देशों का नया गठजोड़ मोर्चा खुला है। ब्रिटेन और भारत इस मोर्चे में समानांतर शीर्ष पर आ गए हैं, इसीलिए दोनों बंगाल की खाड़ी में 3 दिन का युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास में ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइकर और भारतीय नौसेना है। इसके अलावा चीन को चौंकाने वाली जो तस्वीर है वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है
जिसके साथ 10 युद्धपोत, 2 पनडुब्बी, 20 फाइटर जेट और करीब 4000 नौसैनिकों का बारूद से समंदर को दहलाना चीन के राष्ट्रपति की धड़कनों को बढ़ा रहा है, क्योंकि इस युद्धाभ्यास का मकसद कम्युनिस्ट सरकार बहुत अच्छे से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बीते 2 दिनों से महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते सूबे के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ मूसलाधार बारिश ही नहीं बल्कि लैंडस्लाइड से भी महाराष्ट्र के कई जिलों में कोहराम मचा है। भूस्खलन की घटनाओं में अब तक दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं बारिश के बाद रिहायशी इलाके जलमग्न हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। आखिर कैसे महाराष्ट्र में आया महासैलाब सब कुछ लील लेने को आमादा है, आप खुद देखिए। फीट तक पानी भरा दिखाई दिया, दुकान मकान सब कुछ पानी में डूबे नजर आए। ऐसा लगा मानो दरिया शहर के भीतर ही बह रहा। जैसे ही बारिश रुकी, जलस्तर कम हुआ। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अश्विनी पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मैं चिपलून के खेरड़ी बाजार में हूं, जहां पर बाढ़ ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन लोगों को ऐसी मुश्किल में डाल चुका है कि लोग एक बार फिर से अपनी पूरे जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ बिखर गया है उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास मेरे पीछे तस्वीर आप देखिए, ये दुकान है जिस दुकान में देखिए पूरी तरह से पानी भर गया था, और अलग अलग जो बिस्किट के पैकेट्स हैं, जो मसाले हैं, वो सब कुछ पानी में डूब जाने की वजह से सब कुछ इस वक्त खराब हो चुका है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देखिए, ये सारा सामान निकाला जा रहा है और पानी इतना ऊंचा था। आप देखिए, ऊपर की तरफ जो पंखा है वो टूट चुका है, अंदर जो सीलिंग बनाया गया था वो सब कुछ पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। और इसी बिखरे हुए सामान को, बिखरे हुए व्यापार को समेटने की कोशिश दुकानदार इस वक्त कर रहे हैं। देखा आपने, दुकान पानी में डूब चुकी, लाखों का सामान बर्बाद हो गया। रत्नागिरी के चिपलून में कोने कोने में जलत्रासदी के सबूत बिखरे पड़े थे। चाहे दुकान हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे सड़क हो, चाहे लोगों के घर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से चिपलून में बाढ़ का पानी शहर में घुसा और शहर में इस कदर घुसा कि सब कुछ डूब गया। आपको तस्वीर दिखाते हैं इस कार की। आप देखिए, पानी इतनी ऊंचाई तक था कि इस गाड़ी को ऊपर जो है ले लिया, और आप देखिए गाड़ी एक टाइल्स का जो दुकान है उसके सामने ये गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ी है। इसी तरह की तस्वीर जो है आगे भी है, हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि कैसे जो गाड़ियां डैमेज हुई हैं, कैसे सब कुछ यहां पर नुकसान हुआ है। ये देखिए, यहां पर ये गाड़ी आप देखिए एक दूसरे से सट गई है। हालांकि ये गाड़ियों का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सब कुछ
वो तस्वीरें हैं जो आपको ये बताएंगी कि कैसे बाढ़ के पानी की वजह से यहाँ पर स्थिति बद से बदतर हुई है। कार बाइक सब कुछ कबाड़ हो चुकी थी। जरा सोचिए, जिस वक्त सैलाब आया होगा उस दौरान मंजर कैसा रहा होगा। सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये कि अभी भी रत्नागिरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। रहायशी इलाके डूबे हुए हैं। अभी भी कुछ इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। लोग नाव के सहारे जिंदगी बचाने में जुटे। मेरे साथ एक ऐसा परिवार है जो अस्पताल से अपने दो दिन के बच्चे को लेकर ये जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप सोचिए इस तरह की स्थिति अगर हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा शहर में भर जाए और बच्चा सिर्फ दो दिन का हो, तो कितनी मुश्किल हो सकती है। मेरे साथ बच्चे के परिवार से जुड़े हैं, आप बच्चे के पिता हैं। ये जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से परेशानियाँ हुई आप लोग को अस्पताल में, क्योंकि दो दिन का बच्चा लेकर आप अस्पताल में रुके हुए थे। हाँ, वो डिस्चार्ज था कल, लेकिन पानी बढ़ा इसलिए निकल जा नहीं पाए। और इतना लेवल पानी का आ सकता है ऐसा लगा नहीं था कभी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी इतना ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना पानी बढ़ सकता है। तो खाने पीने का थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा था हॉस्पिटल का। लेकिन अभी पीने का पानी नहीं है क्योंकि उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आर ओ का सब बंद है, तो छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत है। और इतना पानी कभी देखा नहीं था, इतना एक्सपेक्ट नहीं था कभी, क्योंकि इतना भी बारिश नहीं था कि इतना पानी बढ़ सके। कौन से अस्पताल में थे? हम इधर शुश्रूषा अस्पताल का भी हिस्सा बहुत डूबा हुआ था। हाँ, वो फर्स्ट फ्लोर तो पूरा डूबा हुआ था, उनका ऑफिस वगैरह सब निकल गया इसलिए। लेकिन बाकी वो जब जिधर हमारा अकोमोडेशन था वो सेफ था, लेकिन वो उधर तक भी पानी आया था। ज्यादा बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। बड़े बड़े पुल बह गए, आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी। हालात तो ऐसे हो चुके कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पटरियों का इस्तेमाल कर रहे। चिपलून में शहर में पानी भरने की वजह से सड़कें डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को पटरियों पर चलकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आप तस्वीर दिखा दूं मैं आपको। सबसे पहले आप देखिए चिपलून के शहर की स्थिति, जहां पर ब्रिज तक पानी पहुंच चुका था वहां पे फिलहाल काम चल रहा है, और अभी भी पानी ब्रिज के आसपास पूरी तरह से डूबा है, जिसकी वजह से सड़क अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। नतीजा यह है कि लोग अपनी भेड़ बकरियां लेके या खुद अकेले उन्हें पटरियों पर चल के जाना पड़ रहा है। ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम काने में जा रहे हैं। ये 10 फुट पानी भरा था हमारे घर में, अभी घर में लेके जा रहे हैं उधर चिपलून काने में। अच्छा, तो ये ट्रैक के रास्ते ही क्यों? ये उधर रास्ता खराब है, बंद हो गए, ब्रिज गिर गए। अरे, इसके वजह से? तो आप लोग भी इसी वजह से जो है ट्रैक पर से जा रहे हैं? हाँ, उस वजह से। कहाँ जा रहे हैं आप? बहन के घर पे जा रहे हैं। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? हाँ। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं, और आपको मैं दूर तक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आगे आइएगा। अभी तस्वीर देखिए, लंबी कतार है, और पीछे भी आप देखिए बहुत से लोग हैं जो इस पटरी का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रत्नागिरी के हालात महाड़ से लगातार हम आपको बाढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर कितना भयावह वो मंजर था। पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए, जब पानी भरा था उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। पानी का स्तर कम होने के बावजूद एक गाड़ी एक के ऊपर इस वक्त हमें नजर आ रही है, और ऐसी तमाम गाड़ियां इस वक्त इस पानी में बह रही हैं। तो जब पानी का स्तर इतना ज्यादा था उस वक्त सोचिए क्या हुआ होगा। लगातार हम देख रहे हैं कि टीमें काम कर रही हैं, टीमें बचाने की लोगों को कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। और गाड़ियों की लंबी कतार सड़कों पर बीते दो दिनों से लगी। रायगढ़ में भारी बरसात के बीच जगह जगह सड़क पर ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है, और ये ट्रैफिक जाम दूर दराज से आने वाले ट्रकों की वजह से है। सीधे तस्वीरें आपको इस वक्त हम महाड़ की दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक ट्रकों की लंबी कतार है, और ये दूसरे राज्यों से आने या जाने वाली ट्रकें हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ पर इसी तरह से फंसी हुई है। इन ट्रक चालकों से भी हमने बात की, साफ तौर पर इनका कहना है कि जब वो यहाँ पहुंचे तब बरसात इतनी तेज थी और जगह जगह जल भराव था कि ये अपने ट्रक आगे नहीं ले जा पाए। 2 दिनों से बड़ी मुश्किल से वो अपना जीवन यहाँ पर यापन कर रहे हैं, खाने पीने की दिक्कत हो रही है। साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि
लगातार यहाँ से जो रेस्क्यू टीम जा रही है उनको भी जाने में दिक्कत हो रही है। एम्बुलेंस बकायदा इस वक्त एक फंसी हुई नजर आ रही है, जो कब से कोशिश कर रही है कि इन ट्रकों की कतार को पार कर जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचे जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता हर आदमी में होती है। लोग अपना भविष्य जानने के लिए हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं। इसीलिए जब भी भविष्य की बात होती है लोग ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए एक शख्स धरती का भविष्य बताने का दावा कर रहा है। वो खुद को टाइम ट्रैवलर बताता है। उसकी हर भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर सनसनी मचा देती है। अब उसने दावा किया है कि अगले साल दूसरे ग्रह के लोग धरती पर आएंगे और अमेरिका उन्हें भगाने के लिए उनसे जंग लड़ेगा। आसमान में आएंगे अजीब यान, धरती पर मचेगा भयंकर कोहराम। ऐसे हथियार होंगे जिसे दुनिया ने अब तक नहीं देखा। ऐसा युद्ध होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किससे कहानी और फिल्मों में जो होता आया है वो सचमुच होगा। दुनिया रियल लाइफ में देखेगी दूसरे ग्रह से आए लोग। सोशल मीडिया पर चर्चा जोर पकड़ चुकी है। लोग अपनी अपनी कल्पना के जरिए युद्ध और तबाही का वर्णन कर रहे हैं। अंतरिक्ष के अनजान ग्रह की सेना और धरती के इंसानों की सेना के बीच युद्ध की भविष्यवाणी वायरल हो रही है। ये खुद को टाइम ट्रैवलर कहने वाले शख्स की भविष्यवाणी। दूसरे ग्रह से 7 फुट लंबे लोग धरती पर आएंगे। 24 मई 2022 को दूसरे ग्रह के प्राणी आएंगे। अमेरिका और दूसरे ग्रह की सेना के बीच भयंकर जंग होगी। भविष्यवाणी में तारीख तक बता दी गई है। तारीख अगले साल की है, इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अमेरिका से लगातार UFO देखे जाने के रिपोर्ट सामने आ रही। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि भविष्यवाणी सच हो, क्योंकि अमेरिका को दूसरे ग्रह के हमले के बारे में जानकारी मिलने लगी। भविष्यवाणी वाले पोस्ट को अब तक 90,000 से अधिक बार शेयर किया गया और 2,300 से अधिक लाइक मिले। खुद को टाइम ट्रैवलर कहने वाला टिकटॉक यूजर है। उसका यह भी दावा है कि आने वाले समय में कई एलियंस धरती पर आम नागरिकों के तौर पर भी रहेंगे। वायरल खबर एक भविष्यवाणी, इसलिए इसका कोई प्रमाण नहीं तलाशा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ये भविष्यवाणी सच होने की कितनी उम्मीद है, इस पर जरूर बात हो सकती है। सवाल है कि क्या अमेरिका ऐसे किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है या फिर उसे ऐसे किसी खतरे का अंदाजा है। हमारी पड़ताल में खुलासा हुआ कि करीब महीने भर पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। दूसरे ग्रह के यान और वहां के प्राणियों पर अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाया हुआ है। पेंटागन की UFO यूनिट US नेवी की मदद से खुफिया तरीके से चल रही है। इसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमिना टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। खुलासा यह भी हुआ था कि पिछले साल जून में सीनेट की बैठक के दौरान अमेरिकी खुफिया डायरेक्टर को यह निर्देश दिया गया था कि वो अगले 6 महीनों के भीतर UFO और दूसरे ग्रह से आने वाले लोगों से जुड़ी रिसर्च और फैक्ट्स को कमेटी के सामने पेश करे। UFO पर काम कर रही पेंटागन टास्क फोर्स ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, ये भी जान लीजिए। 2004 के बाद से धरती पर अब तक 144 UFO देखे गए। दूसरे ग्रह से किसी के आने की आशंका को खारिज नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के बाद नासा के चीफ बिल नेल्सन ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि ब्रह्मांड के किसी कोने में दूसरी दुनिया के लोग हैं। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी उम्मीद है कि दूसरे ग्रहों पर भी कुछ इंटेलिजेंट जीवन है जिससे इंसानों का सामना हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई ऐसे तारे जो धरती से भेजे जा रहे सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। अनुमान है कि हर तारे पर कुछ लोग ऐसे जो धरती पर नजर रखे हुए हैं। अनुमान कई तरह के हैं, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं। वायरल खबर एक भविष्यवाणी, इसीलिए इसे सही झूठ या मनगढ़ंत तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तो सच है कि जो आभास खुद को टाइम ट्रैवलर कहने वाले शख्स को हुआ है वो वैज्ञानिकों को भी हो रहा है। लेकिन रिसर्च अभी जारी और नतीजे भी अधूरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।
जब से राफेल हिंदुस्तानी वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश फाख्ता हो चुके हैं। दोनों शत्रु अब किसी भी तरह की हिमाकत करने से डर रहे हैं, क्योंकि राफेल का जंगी इतिहास ही ऐसा है जिसे देख दुश्मन की जमीन हिल जाती है। मगर अब यही सुपर लड़ाका तुर्की के सनकी राष्ट्रपति के भी होश ठिकाने लगाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की तरह ग्रीस ने भी फ्रांस से राफेल की डील की थी। सबसे सॉलिड आसमानी जंगबाज की डिलीवरी भी हो चुकी है, अब तुर्की से रण की बारी है। आखिर कैसे भूमध्य सागर में राफेल अपना जौहर दिखाएगा, ये आप भी देखिए। एक योद्धा जिसने 3 युद्धों में अपने बारूदी कोहराम से दुश्मन के होश उड़ा दिए, एक लड़ाका जिसकी रणभूमि में दहाड़ दुश्मन का कलेजा चीर देने के लिए काफी। आसमान का वही गेम चेंजर अब तुर्की का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए एयरफील्ड में उतर चुका है, नाम है राफेल। चालबाज तुर्की जैसे शत्रु को नतमस्तक करने के लिए ग्रीस ने फ्रांस से विध्वंसक डील की। इस डील के तहत ग्रीस ने फ्रांस से 18 राफेल फाइटर जेट मांगे। राफेल ने सौदे पर मोहर लगाई और अब फ्रांस ने ग्रीस को पहले राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी भी कर दी। यानी ग्रीस की वायुसेना के पास अब एक ऐसा जंगबाज मौजूद है जो पलक झपकते ही तुर्की की हर साजिश को नेस्तनाबूद कर सकता है, सनके एर्दोगान को अपने बारूदी ट्रेलर से सन्न कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि ग्रीस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है जबकि तुर्की और फ्रांस नाटो के मेंबर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस ने नाटो मेंबर तुर्की के बजाय ग्रीस की मदद क्यों की? क्यों ग्रीस को अपना सबसे विध्वंसक लड़ाका सौंपा तो उसकी वजह भूमध्य सागर में बढ़ती तुर्की की दादागिरी। असल में मेडिटेरियन सी में तुर्की ग्रीस और साइप्रस जैसे मुल्कों के समुद्री इलाके में घुसपैठ करता है, जबरन अपना हक जमाता है। इतना ही नहीं, तुर्की की नेवी और उसके खोजी जहाज लगातार भूमध्य सागर में ग्रीस के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं और उसकी वजह सालों पहले साइप्रस द्वीप के नजदीक तेल और गैस के अकूत खजाने का पता लगना, जिसके बाद से तुर्की समुद्री इलाके को हड़पने की साजिश करने लगा। वैसे समंदर का इलाका 4 देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बटा है, लेकिन एर्दोगान अपनी हड़प नीति के चलते एक बड़े हिस्से पर अपना दावा जताते हैं और तुर्की की नेवी और अपने खोजी जहाजों के साथ यहां ड्रिलिंग करते हैं, जबकि ग्रीस तुर्की को समंदर में घुसपैठ करने से रोकता है। बस एर्दोगान की इसी दादागिरी का माकूल जवाब देने के लिए फ्रांस मेडिटेरियन में बादशाहत की जंग में कूद गया है और तुर्की के खिलाफ ग्रीस की मदद का ऐलान किया। यूरोपीय देश ग्रीस पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए फ्रांस ने ग्रीस को हथियार देने शुरू कर दिए। जानकारी के मुताबिक फ्रांस ग्रीस को 18 फाइटर जेट देगा, इसके अलावा 4 मल्टीपर्पज नेवी फ्रिगेट भी देगा, समंदर में निगरानी के लिए 4 नेवी हेलीकॉप्टर भी देगा। मतलब साफ है कि मेडिटेरियन सी में तुर्की की मुश्किलें बढ़ने वाली। फ्रांस ने राफेल के साथ साथ अपनी वायुसेना का C-130 एयरक्राफ्ट भी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया, वो भी उस इलाके में जिस पर हक तो ग्रीस और साइप्रस का है लेकिन वहाँ कब्जा तुर्की ने कर रखा है। यानी जल्द ही समंदर वाले वॉर जोन में तुर्की की भिड़ंत फ्रांस के राफेल से होने वाली, और जब भी ये टक्कर होगी तो दुनिया को पता है कि जंग में किसकी जीत होगी, सिर्फ और सिर्फ राफेल की, क्योंकि राफेल के वॉर सर्टिफिकेट में सिर्फ जीत वो भी विस्फोटक अंदाज। गोरिल्ला और चिंपांजी दोनों का व्यवहार रहन सहन एक जैसा ही होता है, दोनों बहुत हद तक एक जैसे दिखते भी हैं, लेकिन इन दिनों दुनिया के एक कोने में गोरिल्ला और चिंपांजी एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। दोनों जानवरों के बीच जैसे गैंग वॉर छिड़ी हुई है, कई की जान जा चुकी है। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मिलजुल कर रहने वाले ये जानवर अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं। क्या है ये पूरी कहानी, इस खबर में समझिए। ये गोरिल्ला है और ये चिंपांजी, दोनों करीब करीब एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों जानवर बेहद समझदार होते हैं, इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं और बहुत हद तक इनका व्यवहार इन्हें इंसानों के करीब दर्शाता है। लेकिन अचानक इन दोनों जानवरों के बीच जंग शुरू हो गई है। जंगल में गोरिल्ला का झुंड और चिंपांजी का झुंड जैसे ही आमने सामने आता है, युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध काफी लंबा चलता है और अंत बेहद दर्दनाक होता है। चिंपांजी और गोरिल्ला के बीच जंग की ये खबर अफ्रीका से आई है। अफ्रीकी देश गैबॉन में लुआंगो नेशनल पार्क है, यहाँ चिंपांजी गोरिल्लाओं पर हमला कर उन्हें मारकर खा रहे हैं। नेशनल पार्क में लंबे समय से दोनों जानवर रह रहे हैं। 2019 से पहले कभी भी दोनों जानवरों के गुटों के बीच किसी तरह की लड़ाई नहीं हुई, लेकिन 2019 में चिंपांजी ने 2 बार गोरिल्लाओं पर हमला किया। लड़ाई 2 घंटे तक चली, अंत में 2 गोरिल्लाओं की मौत हो गई। उसके बाद दूसरी घटना में मादा चिंपांजी ने गोरिल्ला के बच्चे को मार दिया। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगल में खाने की चीजों की कमी होती जा रही है,
फलों की कमी के चलते ही चिंपैंजी गोरिल्ला को दुश्मन मान रहे हैं और उन्हें अपने इलाके से भगाना चाहते हैं। दोनों जानवरों के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि एक बार चिंपैंजी और गोरिल्लाओं के बीच करीब एक घंटे तक लड़ाई हुई। इस जंग में एक तरफ 27 चिंपैंजी का बड़ा ग्रुप था तो दूसरी तरफ सिर्फ 5 गोरिल्ला थे। फिलहाल यही कोशिश है कि जानवरों को खाने की कमी न हो, लेकिन दोनों जानवरों को एक दूसरे से बचाना बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 विस्फोट किए गए थे और अब एक बार फिर पाकिस्तान ने ड्रोन जिहाद का सहारा लिया। सुरक्षा बलों ने अखनूर के कानाचक सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन में 5 किलो विस्फोटक लदा हुआ था जिसके बाद से असेंबल किया जाना था। पिछले 21 दिनों के दौरान जम्मू और सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन के दिखने की यह 10वीं घटना है। सत्रह किलो वजनी, 6 फीट चौड़ा और 5 किलो विस्फोटक से लैस इस ड्रोन से भारत को दहलाने का प्लान था। पाकिस्तान की साजिश सफल हो जाती तो ये बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से एक और अनहोनी टल गई। जम्मू कश्मीर के कनाचक इलाके के ऊपर जैसे ही ये ड्रोन पहुंचा, पुलिस के जवानों ने इस पर गोली चला दी और तबाही का ये दूध धराशायी हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने विफल किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की ये ड्रोन वाली साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरीके से विफल किया है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये हेक्साकॉप्टर है। ठीक एक साल पहले इसी तरीके का हेक्साकॉप्टर जो है वो हीरानगर सेक्टर में मिला था और 3 बैटरियां इस हेक्साकॉप्टर के साथ अटैच थी और इसी हेक्साकॉप्टर के साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने 5 किलो आईडी जो है ये एक्सप्लोजिव जो है वो रिकवर किया। हमें ये पता लगा कि जैश ए मोहम्मद ड्रोन के जरिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई। जिस वक़्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। जिस जगह ड्रैगन को शूट किया गया वो LOC से करीब 7 किलोमीटर अंदर है। इस हेक्सकॉप्टर ड्रोन में 5 किलो विस्फोटक थे जिसे आतंकियों तक पहुंचाना था और फिर उस IED का इस्तेमाल धमाके के लिए किया जाता। ये IED पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं थी लेकिन असेंबल्ड थी। उस पर एक्टिवेट करने के लिए कुछ तार को जोड़ना पड़ता, वो प्रोविजन उसमें है। तो ऐसा लगता है कि वो ड्रोन के जरिए कहीं गिराते और फिर कोई और उसको उठा के ले जाता और IEDs को प्लेस करता। 29 जून को PM मोदी ने ड्रोन खतरे को देखते हुए एक टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की थी और सुरक्षा बलों को हिदायत दी थी कि इसने खतरे को लेकर विशेष सतर्क रहे। पाकिस्तान की लगातार फ्लॉप होती साजिश इस बात का सबूत है कि अब सरहद की निगरानी पहले से ज्यादा पुख्ता हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।